अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GFPP से मैं आपका होस्ट मुजम्मिल बलोच। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला गुलशन इकबाल पार्क में और आप मेरी अकम में देख रहे हैं कि पूरे पार्क ने फूलों की चादर ओढ़ रखी है। इसी पे आज हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से और जानेंगे कि इस मौसम को वो किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं और ये फूलों की खूबसूरती देख के उनको कैसा महसूस हो रहा है। आइए आपको लोगों के व्यूज़ दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी रिकॉर्डिंग के दौरान हमारे कुछ दोस्त इन फूलों को देख रहे थे बड़े प्यार से और मैंने उनसे पूछा तो ये हैदराबाद सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है गुजरांवाला आके, इनके यहाँ जो लोगों से मुलाकातें वो कैसी लगी और ख़ास तौर पर आइए जो फूल देख रहे थे उनको वो कैसे लग रहे थे। जी सर, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर गुजरांवाला। बहुत फूलों मुस्कुराता शहर है, खिलखिलाता, साफ़ सुथरा, बिल्कुल माहौल भी बहुत अच्छा, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और सारा बादो बाहर से खिला पड़ा है, फूल ही फूल हैं। यहाँ पार्क गुलशन इकबाल पार्क में हम इस टाइम। अच्छा सर, आप भी हैदराबाद से? जी, मैं भी हैदराबाद से हूँ। अच्छा, तो सर क्या कहेंगे आज आपको, ये माशाल्लाह देखें खूबसूरत फूल हैं तो आप देख रहे थे, मैंने सोचा आपसे बात की जाए, तो कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत बाग है ये, बहुत अच्छा ये फूल लगे हुए हैं। अभी हम यही देख रहे थे, हम आए थे मतलब घूमने के लिए, मतलब चलो ये भी देख के हैं कि अच्छा लग रहा है। तो अच्छी मौसम का और फूलों का इंसान की तबीयत पे क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, फ्रेश होने के लिए आए हैं। और खूबसूरत, अभी मैं देख रहा था कि जैसे नौजवान सेल्फी बनाते हैं तो आप ये जो सेल्फियाँ और ये तस्वीरें बना रहे थे ये अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं कि उनको दिखाएंगे जाके कभी कैसा खूबसूरत पार्क बना हुआ है, इकबाल पार्क। जी, इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में फूलों को देखने के लिए खूबसूरत फूल आए हुए हैं। मेरी मुराद ये खूबसूरत बच्चे हैं और देख रहे कैसे कलरफुल सूट उन्होंने पहने हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं पार्क में आके। जी बेटा, किसके साथ आए आप? हम अपने माँ बाप पापा के साथ गुलशन पार्क में आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी। तो आपने ये जो इतने खूबसूरत फूल देखे आपको अच्छे लगे? यस। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? वन में। चले, आप गुजरांवाला से आए हो? हाँ जी। चले, अच्छा जी, आपने ये बड़ा खूबसूरत पेंट बनाया हुआ है ये गाल के ऊपर, तो ये क्या बनाया हुआ आपने? अच्छा, ये स्टार है, तो आप तो खुद एक स्टार हो बहुत प्यारे से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा और हरम जो कि ट्विंस लग रही हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज गुलशन इकबाल पार्क में क्या देख रहे हैं और कैसा लग रहा है उनको। जी बेटा, हमें स्कूल से छुट्टियां हैं, हम गुलशन इकबाल पार्क में फूल देखने आए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप तो खुद माशाल्लाह बहुत प्यारे फूल हैं। अच्छा, आप लोग ट्विंस हैं? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिस्मा। आपका? हरम। चले, हरम और बिस्मा को आपने जी सुना और वो यहाँ छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता स्कूलों से छुट्टियाँ हैं तो वो यहाँ गुलशन इकबाल पार्क में फूल देख रहे हैं। चलें जी, सलामत रहें आप। जिनाज़रीन, बिलाशुबा मौसम बहार और खूबसूरत माहौल का इंसान की तबीयत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और यहाँ पर गुलशन इकबाल पार्क में PHA की जो काविश है फूलों की ताज़ीन और आराइश के हवाले से वो काबिल स्ताइश है। और मेरी अपने देखने वाले नाज़रीन से यही गुजारिश है कि आपके इर्द गिर्द जहाँ भी फूल और पौधे मौजूद हैं उनकी निगहदाश्त में अपना रोल अदा करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की कावज़ पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।